प्लीज हाँ बंद करो यार। देखो कुछ नहीं होता अगर तुम्हारे पापा और रूपाली हमारी शादी के खिलाफ हैं। हम उनको मना लेंगे, हम उनको कन्विंस कर देंगे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हम उन्हें नहीं मना सकते। जब तक रूपाली नहीं मानेगी पापा भी नहीं मानेंगे। मैं उतने अच्छी तरह जानती हूँ और रूपाली की वैसे ही वो तुमसे नफरत करते हैं। कभी तो मैं तुम्हारे पापा का दिल जरूर जीत पाऊंगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में पापा भी हो। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहती। यही वजह है कि हम लोग इंतजार करेंगे। जब तक तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे हम इंतजार करेंगे। तो हम इंतजार करते ही रह जाएंगे। मैं जानती हूँ कि पापा कभी नहीं मानने वाले। देखो आयशा, हम लोगों के सामने अभी हमारी पूरी जिंदगी बनी है। एंड बिलीव मी, हमारी शादी बहुत अच्छी रहेगी, हम दोनों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। एक दिन तुम्हारे पापा भी हमारी शादी को लेकर बहुत खुश होंगे और उन्हें हम पर नाज होगा। बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे पापा मेरे बारे में सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना रूपाली ने उन्हें मेरे बारे में बताया है। लेकिन कभी ना कभी, अच्छा कभी ना कभी तो उन्हें मुझे तुम्हारे नजरिए से देखना ही पड़ेगा। से प्यार करने लगेंगे, वो हमारी शादी को लेकर खुश होंगे। इनफैक्ट वो तो इस बात को लेकर भी जरूर पछताएंगे कि कभी किसी जमाने में वो हमारी शादी के खिलाफ थे। नहीं, रूपाली ने पापा के खिलाफ जहर भर दिया है, इसलिए वो तुम पर यकीन कभी नहीं करेंगे। जा रहा था मैं शायद तब उसे इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता था जितना प्रेगम के पास जान गया। उसका असली नाम तो मैंने तभी देख लिया था जब हमारा रिश्ता टूटा था। रिश्ता तोड़ने के लिए उसने जो बहाना बनाया है शायद कोई बुरे से बुरे तेल वाली लड़की भी ऐसा बहाना नहीं बना सकती। प्लीज मैं कुछ भी नहीं जानना चाहती। तुम दोनों के बीच क्या हुआ है ये सब बातें मुझे डिस्टर्ब करती हैं। कभी ना कभी तो इन बातों को जानना ही होगा। मैं चाहता हूं कि तुम इन बातों को सुनो ताकि मुझमें और रूपाली में तुम चूज कर सको। रूपाली ने अनीश को जो वजह बताई आज तुम्हें वो वजह मालूम चल जाएगा। जिंदगी भर तुम मुझसे शादी करने को तैयार नहीं हो। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानती हूँ और ये भी जानती हूँ ऐसा कर सकती है तो तुम्हारे साथ तो वो कुछ भी कर सकती है। जानता है आयशा को सब कुछ जानता है। कहाँ थी तुम? मुझे घर से निकलने में थोड़ी देर हुई। पापा के साथ कुछ
कुछ जरूरी बातें करनी। पिछले दो घंटों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम आओगी, मुझे बताओगी कि मीडिया रिपोर्ट क्या हुआ, ताकि मैं इंडिया इंटरनेशनल फोन कर सकूं और मीटिंग फिक्स कर सकूं। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात और क्या हो सकती है? तुम खामखा नाराज हो रहे हो हरीश। मुझसे क्या उम्मीद रखती हो? बेवकूफों जैसे मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा हूँ, और तुम हो कि अपने पापा के साथ कुछ अर्जेंट मैटर डिस्कस कर रहे हो। जरा हम भी तो सुने, वो क्या है? हरीश, आयशा अशोक से शादी करने की जिद लगा है। पागल तो नहीं होगी? घर में सिर्फ पापा ही है जो इस शादी के खिलाफ, बाकी सबको लग रहा है कि वो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर रही है, तो इसमें वो कोई गलत बात नहीं कर रही। छोड़ दो रूपाली, जो काम तुम कर रही हो अगर उसमें ना इंसाफी हो रही हो तो मत करो, छोड़ दो। हरीश प्लीज, मैं सच कह रहा हूँ, शादी या बॉयफ्रेंड वगैरह जैसे रिश्तों में अगर हमें लगता है कि ना इंसाफी हो रही है तो उसे छोड़ देते हैं। उसी तरह एक नौकरी मिलती है हमें, या तो हम उसे पागलपन की हद तक जाते हैं या तो हम बिल्कुल। अगर हमें लगता है कि हम नौकरी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें करनी है, तो इसमें तो एम्बिशियस हम रहते ही नहीं। लेकिन लेकिन कुछ नहीं रूपाली, अगली बार तुम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स घर पर छोड़ के आओ, ऑफिस में सिर्फ काम होगा। अशोक, अशोक का डिस्कशन हमारे ऑफिस में कभी नहीं होगा। पर आयशा उससे शादी कर रही है। आयशा उससे शादी कर रही है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मैं उससे नफरत करती हूं। हो सकता है आयशा उससे प्यार करती है। वो आदमी खराब है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अगर उसकी जिंदगी बर्बाद होती है तो गलती है उसकी। एंड रूपाली, तुम्हें परेशानी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आयशा की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तुम्हें परेशानी दरअसल इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारी और अशोक की जिंदगी तो बर्बाद हो गई, कहीं ये ना हो कि आयशा और अशोक की जिंदगी सफल हो जाए। हरीश, तुम हकीकत का सामना करना सीखो रूपाली। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हकीकत को समझो, जानो, या तो उसका सामना करो, या तो चुपचाप कबूल कर लो, या फिर भूल कर जिंदगी में आगे बढ़ो। इन बातों को कभी अपने दिमाग पर हावी मत होने, ना ही अपने काम में आड़े आने। ओके, ये सब बातें भूल जाओ, तुम मीडिया रिपोर्ट तैयार करो, मैं इंडिया इंटरनेशनल पे जा रहा हूँ। ओके, ये बात मेरे दिमाग पर हावी है और हमेशा रहेगी। मैं काम करूंगी, अपनी मंजिल तक भी पहुंचूंगी, लेकिन ये सब मैं सिर्फ एक ही मकसद के लिए करूंगी, और वो अशोक को बर्बाद करने के लिए। अशोक अपने किए की सजा जरूर भुगतेगा। उसने मुझे जानबूझकर पिला दी थी ताकि अपने दोस्तों के सामने ये साबित कर सके कि वो मेरा क्या हाल कर सकता है। अब मैं उसे मजा चखाऊंगी। रेप का जो इल्जाम मैंने लगाया है वो तो अभी पहला इल्जाम है, पर मैं नहीं चाहती कि उसके साथ साथ मेरी बहन भी मेरा निशाना बन जाए। लेकिन अगर वो उससे शादी करेगी तो उसे भी मेरा निशाना बनना पड़ेगा। शादी करके वो अशोक की सारी खुशियां बन जाएगी, और मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, अशोक की खुशियों को बर्बाद करना। मैं छोड़कर जा रहा हूँ।
कब जा रहे हैं? अपनी अमेरिका वाली फ्रेंड के बारे में बताया था। आपकी एक्स गर्लफ्रेंड शिखा, उसने मुझे वहां की यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छा असाइनमेंट दिलवाया है। और शिखा, वो ऑफर इतना अच्छा है कि मैं उसके लिए इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आपने तो कहा था कि आप। हाँ शिखा, मैं जानता हूँ, मैंने कहा था कि अब कभी भी स्टेट वापस नहीं जाऊंगा। और मैंने ये भी कहा था कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं। लेकिन शिखा, हालात बदल चुके हैं। वंदना का तलाक हो चुका है और अकेले। शिखा, वो आज उसको मेरी जरूरत है, तो मैं ऐसे में उसको धोखा तो नहीं दे सकता ना। लेकिन मैं समझता हूँ तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही होगी। आपने एक ही दिन में फैसला कर लिया? कल तुम्हारे जाने के बाद उसका फैक्स आया और उसके बाद उसका फोन भी आया। शिखा, मैं पूरी रात उसके बारे में सोचता रहा। अगर मैं हर वक्त उसके बारे में सोचता रहूंगा तो तुम्हारे साथ और अपने रिश्ते के साथ नाइंसाफी करूंगा। शिखा, मुझे इस तरह छोड़कर देखो, मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं कर रहा। शिखा, मैं क्या करूं? शिखा, तो अकेली है, बेबस है, छोटा बच्चा भी है। शिखा, शिखा, तुमसे ज्यादा वंदना को मेरी जरूरत है। तुम तो एक बच्ची हो, कल बड़ी होकर सब कुछ भूल जाओगी। पहले भी कह चुकी हूँ डीजे, और आज फिर से कह रही हूँ कि मैं कोई बच्ची नहीं। अच्छा शिखा, प्लीज हाथ मत लगाइए मुझे। आप जानते हैं कि मुझ पर क्या गुजर रही है। आपको ये आप ये कहने की कोशिश भी मत कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊंगी। वंदना की प्रॉब्लम का बस यही एक हाथ था। शिखा, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। शिखा, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। कल तक जितना समझ सकी उससे ज्यादा अच्छी तरह समझ रही हूँ। फैसले के साथ जीने में जितनी मुश्किल होगी ना, उससे ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए ये फैसला करना। शिखा, ये जानने के बाद कि संजीव तुमसे प्यार करता है, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मुझे जाना ही होगा यहां पर, या तो मैं रह सकता हूं या फिर सनी। एक ही दिल के सहारे हम दोनों जिंदा नहीं रह सकते। नहीं।
बात है शिखा, क्या हो गया? डीजे, डीजे, वो अमेरिका जा रहे हैं। आप पागल जैसी बातें कर रही हो, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हें पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। अमेरिका में कोई एक लड़की है जिससे डीजे प्यार करते हैं, उसका नाम वर्तना है। कुछ दिनों से वो चिट्ठियां लिख रही है कि उसे उनकी जरूरत है। लेकिन तुम्हें सब बातें कैसे मालूम पड़ी? मुझे पता है क्योंकि मैंने उस लड़की के खत पढ़े हैं। तभी डीजे कल रात को मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, कल मैंने भी उन्हें बताया था कि कैसे तुम मुझसे हमेशा कहते रहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अब समझ में आई सारी बात। डीजे खुद अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन वंदना के बारे में सच सच बताने के बजाय वो अपने इस फैसले का बोझ मेरे सर पर डालना चाहते हैं। खुद तो यही मानना चाहेंगे कि वो वंदना के लिए बॉम्बे छोड़कर नहीं जा रहे, बल्कि इसलिए जा रहे क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वंदना की वजह से जा रहे हैं, पता नहीं। संजीव तुम कुछ तो करो, अगर डीजे चले गए तो मैं मर जाऊंगी। वो जा रहे तो भी तुम जी नहीं पाओगी शिखा। उस आदमी ने अब अपने असली रंग दिखा दिए। उस वंदना के लिए तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, तुम्हें जो उनसे इतना प्यार करती है। एक ऐसे आदमी के साथ तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी शिखा। देवा, लेकिन मैं उनसे प्यार करती हूँ। जानता हूं शिखा, क्या मैं नहीं जानता ये बात? भगवान जानते हैं कि मैं तो यही मानना चाहता हूं कि डीजे तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। फिर भी डोंट वरी, मैं उनसे बात करूंगा शिखा, डोंट क्राई। शिखा, बात करता हूं ना डीजे से, वो कहीं नहीं जाएंगे तुम्हें छोड़कर। डोंट वरी, मैं हूं ना। हाय देयर। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। और डिसाइड क्या किया? डिसाइड क्या किया? किसके बारे में? यही कि तुम नौकरी करोगे कि नहीं। जया, are you feeling all right? ले, उसी दिन तो कह के गए थे कि मैं सोचूंगा कि मैं यहाँ पे नौकरी करूंगा या रिजाइन करूंगा। So what have you decided? देखो जया, अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें मेरी जरूरत है। Really? ये पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी जिंदगी में जो हुआ है, अगर वो नहीं होता तो जिस दिन तुमने हरीश गिडवानी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी, उसी दिन, उसी वक्त, उसी मिनट मैं ये ऑफिस छोड़कर चला जाता। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अगर वो नहीं हुआ होता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हरीश को देने की नौबत ही नहीं आती। खैर, ये बहस करने से कोई फायदा नहीं। मैं तो सिर्फ तुमसे ये पूछने आया हूं कि हमने एल जींस का कैंपेन सिर्फ बड़े शहरों में क्यों शुरू किया है? मुझे तो लगता है कि छोटे शहरों में भी हमें होर्डिंग वोर्डिंग ले लेने चाहिए। इसके लिए ऑफ कोर्स देयर विल बी एडेड एक्सपेंडिचर अ फ्यू लैक्स। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये एक्स्ट्रा पैसा हम क्लाइंट के बिल में जोड़ सकते हैं या नहीं। हरीश गिदवानी से पूछो। जो क्लाइंट हमारे बीच में बातें होती हैं, वो हरीश से बेहतर और कौन जानता है? हरीश को मैं ना रिपोर्ट करूंगा ना मैं उससे कुछ पूछूंगा। आई बात समझ में? गद्दार है। तुम्हारे राइवल्स ने उसे यहां जासूस बनाकर बिठा रखा है। बकवास कर रहे हो। सुनो मेरी बात। एक दिन हरीश गिडवानी मेरे ऑफिस में आया। He accessed my computer, एल जींस की स्ट्रेटेजीज की कॉपी निकाली और जाकर GBR को दे दी। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि उस रात रितिका ने और मैंने कंप्यूटर लॉक किया था। अगले दिन जब हम ऑफिस में आए तो कंप्यूटर खुला हुआ था। द कॉपी ऑफ द स्ट्रेटेजी वॉज मिसिंग। पहले तो मुझे लगा कि शायद तुमने हमेशा की तरह इंपेशेंट होके आकर वो कॉपी निकाल दी हो। लेकिन जिस दिन प्रेजेंटेशन हो रहा था, तुम्हें याद है, तुमने मुझे अपने कैबिन में बुलाया था और कहा था कि तुम्हें स्ट्रेटजी की एक कॉपी चाहिए। उस वक्त मुझे इस बात का एहसास हुआ। देखो रवि, किसी सबूत के बिना डोंट ट्राई इंप्लिकेट हिम, ओके? जया, तुम खुद इस बात की गवाह हो कि जो प्रेजेंटेशन हम देना चाहते थे हमसे पहले GBR ने दी। और तुम ये भी जानती हो कि लास्ट मिनट तक हरीश गिडवानी ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी लेकर तैयार बैठा था।
अगर उसे ये सब बातें पहले से नहीं पता थी तो वो इतनी तैयारी कैसे कर सकता था। वो तो हम लोग लकी रहे कि लास्ट मिनट पर रितिका वो प्रेजेंटेशन देकर पहुंच गई, वरना सबके सामने बेवकूफ बन जाते। प्रोफेशनल हर इमरजेंसी के लिए तैयार रहता है। ये बात जो तुम मुझे अब बता रहे हो उस दिन क्यों नहीं बताई? हाँ, उसी बात मुझे अपना मुंह खोल देना चाहिए था। यही तो बेवकूफी कर गया मैं। बेवकूफी इसके लिए तो कहती हूँ आई नीड इंटेलिजेंट पीपल अराउंड मी, तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं। जया तुम हद से आगे बढ़ रही हो। मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्रोफेशनल राइवलरी की वजह से तुम्हारी आंखें बंद हो चुकी हैं। नहीं जया, जो तुम मुझे दिखाना चाहती हो मेरी आंखें उससे कुछ अलग देख रही हैं। हरीश गिडवानी ने तुम्हें अंधा बना रखा है। हरीश गिडवानी के बारे में एक और शब्द मत बोलना रवि। यू सीरियस? वेरी। ठीक है फिर मैं इसी वक्त रिजाइन करता हूं। ओह गॉड, फिर धमकी दे रहे? नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूं, आई एम सीरियस। आज के बाद जब भी हम मिलेंगे तो सिर्फ एक भाई और एक बहन की हैसियत से। और राइवल्स की तरह अच्छा है यहां से निकलकर अपनी जिंदगी बनाओ। तुम बिल्कुल तैयार होगी इसके लिए? मैं तो अपनी एजेंसी हरीश गुरबानी जैसे के ऊपर उसे चला लूंगी। और मेरी जिम्मेदारी, हरीश कुछ नहीं कर सकता, उसके बस का कुछ नहीं है। सारे दिन रात काम तो मैं करती हूं। आई रन द शो।